आज तो मैं सिंहासन पर अवश्य बैठूंगा। देवी रास्ता दो। पहले मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ, उसके बाद विचार करिएगा कि आप इस पर बैठ पाएंगे या नहीं। एक और गाथा सात देवियों से सुन चुका हूँ। कभी कभी सोचता हूँ कि क्या मेरा जन्म तुम लोगों की गाथा सुनने के लिए ही हुआ है। ठीक है, अब तुम भी सुनाओ। हमारे महाराज विक्रमादित्य कला की बहुत शौकीन थे। ये बंदरिया हमें कुछ समझाने का प्रयास कर रही है। लगता है ये हमें कुटिया में जाने से मना कर रही है। उन्होंने जंगल के पेड़ों पर लदे ताजे स्वादिष्ट फल खाकर अपनी भूख मिटाई और एक पेड़ पर चढ़कर आराम करने लगे। और जैसे ही शाम होने लगी, वहाँ एक साधु आया। आओ मेरे पास आओ, इधर आओ, अंदर चलो, मेरे साथ चलो, आ जाओ। साधु उसको दो घड़ों के बीच बैठाता है और एक घड़े से पानी निकालकर उसके ऊपर छिड़कता है। और जैसे ही साधु पानी छिड़कता है, वो बंदरिया एक सुंदर स्त्री बन जाती है। वाह, ये तो बेहद खूबसूरत है। और स्त्री बनने के बाद वो साधु के लिए खाना बनाती है और उसे खाना खिलाती है। अगली सुबह वो साधु दूसरे घड़े से पानी निकालकर उस सुंदर स्त्री पर छिड़कता है और वो स्त्री दोबारा बंदरिया बन जाती है। हमें इस बंदरिया को श्राप से मुक्त करना होगा। हम तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं, आओ हमारे साथ। हे महान राजा विक्रमादित्य, मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। हे सुंदरी, तुम हमें कैसे जानती हो? कौन हो तुम और यहाँ कैसे? महाराज, मैं कामदेव और अप्सरा पुष्पवती की पुत्री कामिनी हूँ। एक दिन शिकार खेलते समय मैंने एक तीर छोड़ा जो हिरण को न लगकर एक तपस्वी की बाह में लग गया। मुझे उन्होंने श्राप दिया कि मैं आधा समय बंदरिया और आधा समय स्त्री बनकर उस तपस्वी की सेवा में गुजारा करूंगी। ये सुनकर मैं रो पड़ी। नहीं बाबा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे श्राप मुक्त कर दीजिए। असंभव, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं हो सकता। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो पहला मनुष्य तुम्हारे जीवन में आएगा वह राजा विक्रमादित्य होगा। विक्रमादित्य के आते ही मेरा श्राप प्रभावहीन हो जाएगा। और इस तरह मैं समझ गई कि आप विक्रमादित्य हैं और मेरे पति भी। लेकिन ये तभी संभव है जब तपस्वी मुझे कोई उपहार दे। मैं आज उनसे अवश्य ही उपहार मांगूंगी। मुनिवर, मैं आपसे एक उपहार चाहती हूँ। ये लो कामिनी, यह चमत्कारी फूल है। ये हमेशा खिला खिला रहेगा और रोजाना तुम्हें एक रत्न देगा।
धन्यवाद मुनिवर। और मैं यह भी जान गया हूँ कि तुम्हारा राजा विक्रमादित्य आ चुका है, आज से तुम श्राप मुक्त हो। महाराज, महाराज मैं श्राप मुक्त हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। महाराज आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अवश्य। महाराज ये कमल का फूल तपस्वी ने आपको भेंट किया है, ये रोजाना आपको एक रत्न देगा। अब हमें चलना चाहिए। मगर कैसे महाराज, यहाँ से आपका राज्य तो बहुत दूर है। चिंता ना करो सुंदरी। वैतालो कहाँ हो तुम, हमें तुम्हारी जरूरत है। महाराज। अरे महाराज ये कौन है? ये आपकी महारानी है। आपने शादी कर ली? नहीं वैतालो, शादी करनी है, मगर अभी तुम एक काम करो, हमें हमारे राज्य तक पहुंचा दो। अभी लो महाराज। अबे रुक जा भूती औला, क्यों? अबे महाराज अकेले होते तो अलग बात थी, लेकिन दो है तो क्या, हमें अपना शरीर थोड़ा सा बड़ा करना होगा। ये बेताल, मैं बेताल, दोनों का एक ही हाल, कभी यहाँ कभी वहाँ, अभी धरती पे खड़ा तो अभी आकाश में उड़ा। काली माँ कर दे हमें और बड़ा और बड़ा और बड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद, अब तुम दोनों जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। शादी में बुलाना भूलिएगा ना महाराज। अरे अल्लाह, क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रहे हो? मुझे ये फूल चाहिए। बस इतनी सी बात, ये लो। ये राजमहल पहुंचकर राजा ने कामिनी से विवाह किया और सुख पूर्वक रहने लगे। नहीं। काश कोई साधु मुझे भी कमल का फूल देता। ठीक है आज मैं फिर वापस जा रहा हूँ, लेकिन तुम लोग भी याद रखना, जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठ नहीं जाता मैं हर दिन यहाँ आता रहूंगा। मैं आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं आऊंगा। भगवान मैं रोज सिंहासन पर बैठने आता हूँ, परंतु पुतली की गाथा सुनकर मैं अपने आप को बहुत कमजोर महसूस करने लगता हूँ। मेरी सहायता कीजिए। आज जो पुतली गाथा सुनाए, काश वो कार्य मैंने किया हो। ठहरो राजा भोज, मेरा नाम मधुमाल, सिंहासन पर बैठने के लिए इतने उतावले मत हो। ये राजा विक्रमादित्य का सिंहासन है। परंतु अब तो ये हमारा है। आपका है, परंतु आप बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस पर वही बैठ सकता है जो महान दानव प्रजापाल
और पराक्रमी होगा। हम भी दानी, प्रजा पालक और पराक्रमी हैं। हाँ, हैं। लेकिन राजा विक्रमादित्य की तरह नहीं। ऐसा क्या किया था उन्होंने जो मैंने नहीं किया है? पहले मैं आपको विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ, फिर आपको स्वयं पता चल जाएगा। ठीक है सुनाओ, आज तुम्हारी भी गाथा सुन लेते हैं। ओम नमः शिवाय स्वाहा। ओम नमः शिवाय स्वाहा। प्रणाम मुनिवर। आपका कल्याण हो राजन। राजन, मेरे आश्रम के कुछ शिष्य आज प्रातः जंगल में लकड़ियां चुनने के लिए गए थे। उनमें से 6 अबोधक शिष्यों को 2 राक्षस उठाकर पहाड़ियों पर ले गए। वे उनकी बलि चढ़ाना चाहते हैं। राजन, अब उन बच्चों का जीवन आपके हाथ है। बचा लीजिए उन्हें। जब तक हम हैं, ऐसा अनर्थ कभी नहीं होने देंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपने प्राणों की आहुति देकर भी उन बच्चों को अवश्य बचाएंगे। और रो बच्चों, और रो। मुझे रोते बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। अरे जाने के लिए थोड़े ही ना लाए हैं इतना दूर। हम दोनों भाई मिलकर तुम सारे बच्चों की बलि चढ़ाएंगे। बलि। पहले हम तुम्हारी गर्दन काटेंगे। कैसे काटेंगे? हाँ, कैसे? ऐसे, ऐसे, ऐसे। फिर हम दोनों भाई तुम सबको नम 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 खाएंगे। पहले किसको खाओ? इसको खाओ, उसको खाओ, उसको खाओ। बचाओ! अरे बच्चा लोग, यहाँ कौन आएगा तुम सबको बचाने? राक्षसों, तुम इन बच्चों को छोड़ दो। आए, छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? छोड़ने के लिए थोड़े ही ना पाते। इन मासूम बच्चों को मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? हमारी शक्ति और बढ़ जाएगी। लेकिन विक्रमादित्य कभी ऐसा अन्याय नहीं होने देगा। आए, क्या बोला? तो तू है विक्रमादित्य, तू हमें रोकेगा? हे राक्षस गण, इन बच्चों को छोड़ दो और इनके बदले मेरी बलि चढ़ा दो। यह भी ठीक है, हमें बलि चढ़ाने से मतलब, फिर चाहे वो बच्चों की हो या बड़ों की। कष्टक, विक्रमादित्य के हाथ पांव बांध दो और इसकी आंखों पर पट्टी भी बांध दो। रुको, पहले इन बच्चों को इनके आश्रम छोड़ कर आओ। ठीक है, कष्टक, जाओ इन बच्चों को जहां से लाए थे वहीं छोड़ आओ। जो
जो हमारे राज्य का है वो हमारा अपना है, फिर चाहे वो कोई भी हो, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। ठीक है, फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। हे देवी माँ, हमारे इस राज्य की रक्षा करना। कष्ट, आज हम दोनों भाइयों की मनोकामना पूरी होगी। लाओ फरसा, अभी मैं इसकी बलि चढ़ाता हूँ। बचना विक्रमादित्य, लो मैं आ गया। आप धन्य है राजा विक्रमादित्य, जो आपने अपनी प्रजा के लिए अपना सिर बलि वेदी पर रख दिया। ठंडी हवा के तेज झोंके से महाराज विक्रमादित्य की आंखें खुलती है और वे देखते हैं कि उनके सामने देवराज इंद्र और पवनदेव खड़े हैं। देवराज इंद्र, आप यहाँ? तुम्हें यज्ञ करता देख हम इस बात की परीक्षा लेने आए हैं कि तुम केवल सांसारिक उपयोग की चीजें ही दान में दे सकते हो या समय आने पर अपने प्राणों को भी न्योछावर कर सकते हो, और इस परीक्षा में तुम सफल हुए। धन्यवाद प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हुए। क्या आपने कभी अपनी प्रजा के लिए प्राणों की बाजी लगाई है? क्या कभी देवियाँ आपकी परीक्षा लेने आए हैं? अगर ऐसा है तो आप उस सिंहासन के योग्य हैं अथवा नहीं? नहीं, मैं तो इंतजार कर रहा हूँ कि कोई देवता आए और मेरी परीक्षा लें। तो फिर आप इस सिंहासन पर बैठना भूल जाइए, भूल जाइए। देवी, भूलूंगा तो नहीं, मैं आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा। देवी, इंसान की इच्छा इतनी जल्दी नहीं मरती। जब तक मैं इस सिंहासन पर बैठ नहीं जाता तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा। पहले मेरी कहानी तो सुनिए। क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई कहानी न सुनाए और मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं? हाँ हाँ, कहानी तो आपको सुननी ही पड़ेगी, वरना सिंहासन पर कैसे बैठेंगे? तो तुम बाज नहीं आओगी देवी? ठीक है, तुम भी सुनाओ, शायद आज मेरी किस्मत का ताला खुल जाए और आज मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं। विक्रमादित्य जंगल में शिकार करने गए। ये हिरण हमसे बच नहीं सकता। विक्रमादित्य उस हिरण का पीछा करते करते दूर निकल गए। तभी उनकी नजर एक युवक पर पड़ी जो पेड़ पर फांसी लगाकर झूल रहा था। ये क्या? फांसी का फंदा गले से निकालो, नहीं तो हम तुम्हें आत्महत्या के अपराध में दंड देंगे। छोड़ो, 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 छोड़ दो मुझे। तुम कौन होते हो मुझे दंड देने वाले? हम इस राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं। महाराज? हाँ, हम तुम्हें आज्ञा देते हैं, तुरंत नीचे उतरो। लज्जा नहीं आती आत्महत्या करते हुए? जानते हो, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की आत्मा सदैव भटकती रहती है। कौन हो तुम और आत्महत्या क्यों कर रहे थे? महाराज, मेरा नाम वसु है, मैं कालिंजर का राजकुमार हूँ। कुछ समय पहले मैं एक घने जंगल से होकर गुजर रहा था, वहां मैंने सुंदरता में अप्सराओं को भी मात देने वाली एक सुंदरी देखी।
मैं उस सुंदरी पर मोहित हो गया और जब उस सुंदरी के पास मैं प्रणय निवेदन लेकर गया तो वो हंस पड़ी। अच्छा जी, तो तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? हाँ सुंदरी। को पालन पोषण के लिए सौंप दीजिए। मैं तुम्हें पाने के लिए किसी भी परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हूँ। ले चलो मुझे उन ऋषि महाराज के पास। मेरी पुत्री से विवाह करने के लिए तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, क्या तुम ये बात जानते हो? हाँ, मुझे पता है। अच्छा, आओ मेरे साथ। ये इतने सारे नरकंकाल किसके हैं? ये सब भी मेरी पुत्री से विवाह करने आए थे, परंतु इस खोलते हुए कढ़ाई से वापस नहीं निकल पाए। इतने सारे नर कंकाल देखकर मेरी हिम्मत टूट गई और मैं वहां से निराश होकर लौट आया। उसकी याद में मेरी नींद, मेरा चैन सब छिन गया। मैं स्वयं से लड़ते लड़ते थक गया हूं, इसलिए आज मरने का फैसला कर लिया। राजकुमारी से विवाह की शर्त तो वाकई कठिन है। वसु, तुम उसे भूल जाओ। मैं उसे कभी नहीं भूल सकता महाराज। यदि मैंने उससे विवाह नहीं किया तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। तुम भी एक छोटे बालक की तरह हट करते हो। अच्छा ठीक है, अब रो मत। हमें उस ऋषि के पास ले चलो। हम वचन देते हैं कि हम तुम्हारे विवाह कराने का प्रयास करेंगे। मान्यवर, यह युवक राजकुमारी के बिना नहीं रह सकता। आप इसका विवाह राजकुमारी के साथ कर दीजिए। हे पुरुष, तुम कौन हो इसकी तरफ से बोलने वाले? मान्यवर, हम इस राज्य के राजा महाराज विक्रमादित्य हैं। महाशय, इस युवक की तरफ से हम उस खोलते कढ़े में कूदने के लिए तैयार हैं। राजन, आप जय माँ काली। जय माँ काली। राजा विक्रमादित्य मेरा परम भक्त है। उसने परोपकार में अपने प्राणों का बलिदान दे दिया है। अरे भगवान, इनका ये हाल कैसे हुआ है? किसने किया है ये? भैया, आप जल्दी इन्हें अमृत पिलाओ। लो महाराज, जीवन से भरे दो दूध। राजा विक्रमादित्य युवक का विवाह उस राजकुमारी से करा देते हैं। युवक एक राजकुमार था। उसके राज्य में विद्रोह हो जाने के कारण उसके परिवार को षड्यंत्रकारियों ने मार डाला था। विक्रमादित्य उन सभी को राज्याभिषेक करके उसे वहाँ का राजा घोषित कर देते हैं। महाराज, आप हमारे लिए साक्षात देवता स्वरूप हैं। अगर आप न होते तो हम कभी न मिल पाते। महाराज, आप ही के कारण मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिला है, अन्यथा मैं जीवन भर अविवाहित ही रहती। मैं आपकी आभारी हूँ महाराज।
ये तो हमारा परम कर्तव्य था और मनुष्य ही मनुष्य के काम आता है। हमारा जीवन तो वैसे भी मनुष्य मात्र की सेवा के लिए है। तुमने सुना राजा भोज, किस तरह अपनी जान की बाजी लगाकर राजा विक्रमादित्य ने वसु का विवाह उस राजकन्या के साथ कराया। यदि वे चाहते तो उसे स्वयं विवाह कर सकते थे, लेकिन वसु को वचन दिया था इसलिए उसे पूरा किया। सचमुच उन्होंने एक महान कार्य किया था। यदि तुमने कभी किसी के लिए ऐसा त्याग किया है तो तुम इस सिंहासन पर बैठ सकते हो, नहीं तो लौट जाओ। खौलते तेल में कूदना तो दूर, मैं तो उसके पास भी न जाऊं। आज भी भाग्य ने साथ नहीं दिया, अब तो बस एक ही उपाय बचा है। अब मुझे कल की प्रतीक्षा करनी होगी, कल का सूरज मेरे लिए कोई खुशखबरी ले। मुझे पता है कि आप मेरा ही इंतजार कर रही हैं। अब आप अपना नाम बताने का कष्ट करेंगी? मैं इस सिंहासन की 11वीं पुतली त्रिलोचना हूँ। आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप जब 10वीं पुतली के कहने से भी ना माने तो मैंने सोचा शायद आप मेरी कहानी से समझ जाएं। अच्छा, आपकी कहानी में ऐसी क्या बात है? बात तो है, लेकिन अब ये देखना है कि आप में वो बात है कि नहीं। अगर हमारे अंदर बात ना होती तो हम राजा कैसे बनते? राजन, मैं इस सिंहासन के अधिकारी राजा विक्रमादित्य की सेवा में वर्षों तक रही हूँ। मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी सुनकर स्वयं निर्णय कीजिए कि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। ठीक है, ये तो हम कहानी सुनने के बाद ही निर्णय करेंगे। राजा विक्रमादित्य सही अर्थों में प्रजापालक थे। अपनी प्रजा की सुख शांति के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। हे हमारे प्रियजनों, हम राज्य की सुख शांति के लिए महायज्ञ करवाना चाहते हैं। हम सभी आपके इस कार्य की सराहना करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे इस यज्ञ में पवन देव और सागर देव को आमंत्रित किया जाए। महाराज, इसके लिए आपको एकांत में घोर तप करना होगा। राजगुरु, हम कोई भी तप करने को तैयार हैं, परंतु राजगुरु, पवन देव को आमंत्रित करने में न जाने कितना समय जाएगा। हम चाहते हैं कि समुद्र देव की जिम्मेदारी आप संभालें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज, मैं अपने ब्राह्मण मित्र से ये कार्य करवाऊंगा। और इस तरह राजा विक्रमादित्य पवन देव को बुलाने स्वयं चल पड़े और एक ब्राह्मण सागर देव को प्रसन्न करने में लग गया। ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो। हे राजन, इस समय पवन देव का निवास सुमेरु पर्वत है, इसलिए आप वहीं जाकर तप कीजिए। सुमेरु पर्वत तो यहाँ से बहुत दूर है, हमें वेतालों की सहायता लेनी होगी। हे वेतालों, तुरंत हमारे सामने प्रकट हो। कहिए महाराज। वेतालों, हमें सुमेरु पर्वत जाना है। तो जाइए, किसने रोका है? सुमेरु पर्वत यहाँ से बहुत दूर है, तुम दोनों हमें वहाँ पहुँचा दो। तो चलिए महाराज, उड़ चले सुमेरु पर्वत की ओर। दोनों बेताल महाराज विक्रमादित्य को सुमेरु पर्वत पर छोड़ देते हैं और राजा विक्रमादित्य तप करने लगते हैं। ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो, ओम पवन देव प्रसन्न हो।
हे राजाओं के राजा विक्रमादित्य, देवराज इंद्र के चहिते तेरी साधना से हम बहुत खुश हैं। मांगो, क्या मांगते हो? प्रणाम पवनदेव। पवनदेव, हम एक महायज्ञ कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आप हमारे उस महायज्ञ में अतिथि के रूप में पधार कर हमारा सम्मान बढ़ाएं। मेरे कहीं भी जाने का मतलब है भयानक तबाही, आंधी तूफान आ जाएंगे, तेरे राज्य की सभी लहलहाती फसलें उजड़ जाएंगी, तेरे राज्य के सभी पेड़ पौधे उखड़ जाएंगे। क्या तू इस तबाही को अपनी आंखों से देखना चाहता है, केवल केवल अपनी जिद के लिए? नहीं देव, हमारा ये मतलब नहीं था। तो फिर वापस चले जाओ, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम्हारे राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ेगा, कभी अकाल नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हें काम धेनु गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे राज्य में सदैव दूध व दही की नदियाँ बहेंगी। इस तरह पवन देव वर देकर चले गए। हे वैतालो, यहाँ हमारे पास आओ। कहिए महाराज। तुम दोनों ये गाय और हमें हमारे राज्य में पहुंचा दो। लगता है अब हमारे बुरे दिन आने वाले हैं। क्यों क्यों, ये गाय नहीं देख रहे हो? राजा विक्रमादित्य हमें गाय चराने का काम देने वाले हैं। तुम्हारी बकबक खत्म हुई हो तो चले। बिल्कुल महाराज। ओम सागर देव प्रसन्न हो, ओम सागर देव प्रसन्न हो, ओम सागर देव प्रसन्न हो। हे ब्राह्मण, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहते हो? प्रणाम प्रभु। महाराज विक्रमादित्य चाहते हैं कि आप उनके महायज्ञ में उपस्थित हों। अगर मैं वहां गया तो मेरे साथ सारा जल भी जाएगा, अगर सारा जल गया तो सभी जीव जंतु समाप्त हो जाएंगे। मैं एक इंसान के लिए सबका त्याग नहीं कर सकता, इसलिए मेरा वहां जाना उचित नहीं। अब मेरे लिए क्या आदेश है प्रभु? मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य से कहना कि मुझे उनका निमंत्रण स्वीकार है। जल की बूंद बूंद में मेरा वास है, वे यज्ञ के लिए जिस जल का प्रयोग करेंगे उनमें मैं भी उपस्थित रहूंगा। वे जो यज्ञ करने जा रहे हैं उनकी मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं और अपनी ओर से राजा को ये 5 बहुमूल्य रत्न और समुद्री घोड़ा देता हूं। इन्हें मेरी ओर से राजा विक्रमादित्य को दे देना। ऐसा ही होगा देव। ब्राह्मण महाराज को दोनों उपहार लाकर देता है और पूरी बात बताता है। हे ब्राह्मण, रास्ते की परेशानी को सहते हुए आप समुद्र के किनारे पहुँचे और कठोर तप करके बहुत कष्ट सह के आपने समुद्र देव को प्रसन्न किया, इसलिए इन दोनों चीजों पर असली अधिकार आप ही का है, अतः आप इसे स्वीकार करें। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी कहानी महाराज विक्रमादित्य के तप, त्याग और दान की। तो कहिए राजा भोज, क्या आपने कभी ऐसा दान दिया है? अगर हाँ तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं। हाँ, ये वाकई महान दान था, ऐसा दान आज तक मैंने नहीं किया। आइए आइए, प्रणाम राजा भोज। राजन, मैं सिंहासन की 12वीं पुतली पद्मावती हूँ। तो आज आप आए हैं मुझे सिंहासन पर बैठने से रोकने के लिए? मैं चाहती हूँ आप महाराज विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठें। मैं भी तो यही चाहता हूँ, मगर इससे पहले
आपको एक गाथा सुननी होगी, तभी आप इस सिंहासन पर बैठ पाएंगे। कहानी पे कहानी, कहानी पे कहानी, उसके ऊपर एक और कहानी, और उसके बाद तुम्हारी मनमानी। मैं कोई छोटा बच्चा हूँ जो रोज कहानी सुनाकर भगा देती हो मुझे? बैठना है तो कहानी तो सुननी ही पड़ेगी ना। ठीक है ठीक है, अगर तुम लोग जिद्दी हो तो मैं भी जिद्दी हूँ, सुनाओ कहानी। एक रात की बात है, महाराज विक्रमादित्य महल की छत पर खड़े थे। आ, आ, बचाओ बचाओ बचाओ। हमें उसे बचाना चाहिए। कहाँ जाओगी सुंदरी, उससे बचना आसान नहीं। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तू भी मारा जाएगा। जा, भाग जा यहाँ से। हो सकता है तू मारा जाए। अच्छा तो ये बात है, तो फिर आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जा। तेरी मौत हमारे हाथों ही लिखी है दोस्त। क्यों थक गए? हाँ हाँ हाँ। पानी पियोगे? हाँ हाँ हाँ, पानी पीऊंगा। ले पी पानी, पी, तुझे हम पानी पिला पिला के मारे। पी और ये ले। जीवित हो जाता है और अब वो पहले से भी खूंखार हो जाता है। उसके उठते ही जिस जगह राक्षस का खून गिरा था, एक दूसरा राक्षस पैदा हो जाता है। है? ये क्या? इसने मुझे पानी पिला पिला कर मारा है। अब हम दोनों मिलकर इसे हवा में उछाल उछाल कर मारेंगे। पकड़ 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 पकड़, ये 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 ले, ये ये पुछा दे पुछा दे पुछा दे पुछा दे, ये 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 और उछाल से और उछाल, अब तू पकड़, ये ले ये ले। बचा अपने टांगों को। भागो, नहीं तो मेरे भी आपको काटा लगा। भाग गया। अब डरने की कोई बात नहीं, वो राक्षस भाग गया है और दूसरा मर चुका है। लेकिन तुम हो कौन और ये राक्षस कौन था? मैं सिंहल द्वीप राज्य के एक ब्राह्मण की पुत्री हूँ। एक दिन मैं अपने सहेलियों के साथ एक सरोवर में स्नान कर रही थी, तभी मुझे इस राक्षस ने देख लिया और मुझ पर मोहित हो गया। फिर वो मुझे इस जंगल में उठा लाया। वो मुझसे शादी करने के लिए कहने लगा, लेकिन मैंने भी सोच लिया कि अपने जीते जी इसे अपने शरीर को छूने नहीं दूंगी। डरो नहीं बहन, उस राक्षस की मौत हमारे हाथों ही। परंतु तुमने दूसरे राक्षस के बारे में नहीं बताया। वो दूसरा राक्षस इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पहले राक्षस के पेट में मोहिनी है। वो राक्षस जितनी भी बार मारा जाएगा, वो मोहिनी अमृत द्वारा उसे फिर जिंदा कर देगी। जब जब वो मारा जाएगा, एक राक्षस और पैदा होता रहेगा। लेकिन पैदा होने वाले राक्षस को मोहिनी जिंदा नहीं कर सकती। क्यों जिंदा नहीं कर सकती? क्योंकि वो पहले राक्षस के खून से जिंदा होता है। तुम ये सब कैसे जानती हो? ये सब मुझे उस राक्षस ने बताया था। तुम चिंता मत करो, हम उस राक्षस को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और जब तक हम इसे मार ना दें, हम महल वापस नहीं जाएंगे। वो राक्षस अवश्य वापस आएगा,
ठीक है, हम उसका यहीं बैठकर इंतजार करेंगे। शेख, दूर हटो बहन। तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो शेर बनकर हम पर धोखे से वार करने आया था? बस बहुत नाटक कर चुका दोस्त, ये ले। महाराज उस स्त्री को पकड़ो, वो अमृत ना पिला पाए। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बचपन से यही तो करते आए हैं। छोड़ो छोड़ो मुझे। छोड़ेंगे ना हम तेरी गर्दन ओ मोहिनी, मरते दम तक। कौन हो तुम, क्यों उसके पेट में रहती थी? मैं शिव भगवान की कड़िका हूँ। एक दिन उनकी आज्ञा का पालन करने में मुझसे थोड़ी गलती हो गई। उन्होंने मुझे क्रोधवश मोहिनी बना दिया और इस राक्षस को दे दिया। इस राक्षस को मारकर आपने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं आपकी सेविका हूँ। मुझे आप स्वीकार करें महाराज, स्वीकार करें महाराज। ठीक है, तुम्हारा स्थान हमारे महल में एक पत्नी के रूप में रहेगा। क्या तुमने जीवन में किसी राक्षस को मारा है? क्या किसी ब्राह्मण कन्या का उद्धार किया है? यदि नहीं तो आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। लौट जाइए राजा भोज, लौट जाइए। आदमी होता तो चलता, मगर राक्षस वो भी दो दो। चल बेटा भोज, आज नहीं तो कल सही। कभी तो मैंने महाराज विक्रमादित्य के जैसा काम किया होगा। सिंहासन पर मैं अवश्य ही बैठूंगा, मैं वापस नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की एक गाथा सुनाती हूँ। यदि आपने उनके जैसा एक भी कार्य किया है तो ही आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। कहानी सुन लूंगा देवी, मगर जाऊंगा नहीं। एक दिन राजा विक्रमादित्य ने अपने दरबार के विद्वानों, ब्राह्मणों और व्यापारियों के सामने एक प्रश्न रखा। हे महान समस्त जनों, हम ये जानना चाहते हैं कि संसार में सबसे बड़ा दानी कौन है? महाराज, इस धरती पर आपसे बड़ा कोई दानी नहीं है। जो अपनी प्रजा की खुशहाली के लिए अपने प्राण भी न्योछावर कर दे, उससे बड़ा राजा और कौन हो सकता है? महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। महाराज विक्रमादित्य की जय। ब्राह्मण देव, आप चुप क्यों हैं? आपने कुछ नहीं कहा, आपकी इस चुप्पी का क्या कारण है? महाराज, आपसे बढ़कर भी इस दुनिया में एक दानी जिसका नाम है कीर्ति ध्वज। ये कीर्ति ध्वज कौन है? महाराज, कीर्ति ध्वज एक समुद्र पार के राजा हैं। वहां मैंने कई दिन रहकर उनकी दानवीरता देखी है। वे प्रतिदिन सुबह उठकर 1,00,000 सोने की मुद्राएं प्रजा को दान करते हैं। 1,00,000 सोने की मुद्राएं? 1,00,000
सोने के पुत्र है। हाँ? हाँ, वे प्रतिदिन जब तक ऐसा नहीं कर लेते, भोजन और पानी नहीं लेते। क्या आप सत्य कह रहे हैं ब्राह्मण देव? एकदम सत्य वचन है मेरा। यदि ऐसा ना हो तो मुझे राज दंड दिया जाए। हे ब्राह्मण देव, हम आपसे अति प्रसन्न हैं, क्योंकि आपने बिना किसी भय के जो सत्य बोलने का साहस किया है वो वाकई में प्रशंसा के काबिल है। ऐसे धनी राजा को अवश्य ही देखना चाहिए और सत्य का पता लगाना चाहिए। हे वेदालो, हमें तुम्हारी आवश्यकता है, तुरंत प्रकट हो। तुम कौन हो और हमारे महाराज कहाँ है? हंसता क्या है, तुझे तो हंसता भी नहीं आता। जल्दी बता, महाराज कहाँ है? है वेतालो, हम ही विक्रमादित्य हैं। आए, माफ करना महाराज, हम आपको पहचान न सके। लेकिन आपके चिकने चिकने चेहरे पर ये गंदी गंदी झाड़ियाँ क्यों लटक रही हैं? हमारा ये रूप नकली है वेदालो। अच्छा, तो बताइए महाराज, हमें क्यों याद किया? है वेतालो, हमें समुद्र पार कीर्ति ध्वज के महल जाना है। अरे महाराज, बस आंखें बंद कीजिए। ये लीजिए महाराज, आगे कीर्ति ध्वज महल के पास। धन्यवाद, ये तो हमारा फर्ज था। अब तुम दोनों दूर हो जाओ। जी, जी जाओ। ये राज्य तो बहुत अमीर दिख रहा है, लगता है यहाँ कोई गरीब नहीं। प्रणाम महाराज। हे मानव, तुम कौन हो और यहाँ कैसे? महाराज, मैं उज्जैन का नागरिक हूँ और एक गरीब इंसान हूँ। मेरा नाम धर्म सिंह है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? महाराज, मैं आपके राज्य में नौकरी करना चाहता हूँ। क्या काम कर सकते हो तुम? महाराज, मैं ऐसा काम कर सकता हूँ जिसे कोई नहीं कर सकता। ठीक है, आज से तुम द्वारपाल के रूप में कार्य करोगे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। पहले दिन सुबह सुबह महाराज विक्रमादित्य ने देखा कि राजा कीर्ति ध्वज 100,000 सोने की मुद्राएं बांट रहे हैं। ये तब तक चलता रहा जब तक मुद्राएं खत्म नहीं हुई। उसके बाद ही महाराज कीर्ति ध्वज ने भोजन ग्रहण किया। महाराज प्रतिदिन कहाँ जाते हैं, हमें पता लगाना चाहिए। देवी सदा सुखी रहो। ये मैं। अब मुझे आज्ञा दे देवी। तो ये बात है।
प्रणाम देवी। सदा सुखी रहो वत्स। ये लो। नहीं देवी, हमें ये नहीं चाहिए। हम तो आपकी कृपा और दर्शन पाना चाहते थे, इसलिए हमने प्राणों की बलि दी थी। हमें आपकी कृपा चाहिए। कृपा ही तो कर रही हूँ वत्स। नहीं देवी, हम पर आपकी कृपा नहीं हुई। मानव ये लो। हमें धन नहीं देवी, आपकी कृपा चाहिए। सात बार यही होता रहा और जब आठवीं बार वे कूदने लगे तो देवी ने उन्हें रोका। बस करो विक्रमादित्य, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो क्या चाहते हो? देवी, यदि आपकी हम पर कृपा है और आप हमें कुछ देना ही चाहती हैं, तो एक थैली दे दें जिससे आप हर बार 1,00,000 सोने की मुद्राएं निकालती हैं। ये लो विक्रमादित्य, आज से तुम इस थैली के स्वामी हो। अगले दिन जब महाराज कीर्ति ध्वज मंदिर के पास आए तो वे चौंक गए। अरे अरे, मंदिर कहाँ गया? देवी देवी कहाँ हैं आप? लगता है देवी मुझसे नाराज हो गई हैं। महाराज कीर्ति ध्वज वापस आते हैं और पूरे दिन भोजन पानी ग्रहण नहीं करते। महाराज कीर्ति ध्वज का वर्षों पुराना नियम टूट चुका था। महाराज की जय हो। आओ धर्म सिंह, कैसे आना हुआ? हैं? राजन, मुझे आपका रोज रोज कढ़ाई में कूदना अच्छा नहीं लगा। और राजन, मैंने कहा था ना कि मैं वो कर सकता हूँ जो कोई नहीं कर सकता। हे मानव, कौन हो तुम जो मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? महाराज, हम उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं और आपकी दान वीरता सुनने के बाद आपसे मिलने आए थे। आपके इस दान के सामने तो मेरा दान तुच्छ है। संसार में आपसे बड़ा दानी कोई नहीं है। है महाराज कीर्ति ध्वज, ये आपकी महानता है जो आप ऐसा सोचते हैं। अब बताइए राजा भोज, क्या आपने महाराज विक्रमादित्य जैसा कोई दान दिया है? अगर हाँ तो इस सिंहासन पर बैठ जाइए, वरना उल्टे पांव लौट जाइए। वाकई में विक्रमादित्य एक महान दानी थे। मैंने ऐसा कोई दान कभी नहीं दिया, लेकिन मैं सिंहासन को नहीं छोड़ूंगा। मैं कल फिर वापस आऊंगा, याद रखना। मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, मैं कल फिर आऊंगा, और मैं सिंहासन की चौदहवीं पुतली हूँ। हे देवी, आप क्या आई? मेरे सिंहासन पर नहीं बैठने का समाचार आ गया। देवी, मुझे इस सिंहासन पर बैठने दो ना। पहले महाराज विक्रमादित्य जैसे राजा होने का परिचय तो दीजिए। आप सभी तो ऐसी कहानियाँ सुनाती हैं जो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। कोई तो आसान कहानी सुनाओ ताकि मैं कह सकूं कि हाँ, ये काम मैंने किया है। तो सुनिए, महाराज विक्रमादित्य प्रजापालक, न्यायप्रिय, दानी और योगी स्वभाव के थे। उन्हें शिकार खेलने का भी बहुत शौक था। एक बार वे शिकार के लिए निकल पड़े जंगल की ओर। आज तो शेर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। और अचानक से दिख गया तो क्या करोगे? कोशिश करूंगा कि वो मुझे देख ना पाए। रुको, यहाँ आसपास ही शेर है। वो रहा,
ये तो हमारे घोड़े की आवाज है। ओह, बहुत बुरा हुआ। अब हमें इस जंगल से निकलना चाहिए। बिना सोचे समझे आगे बढ़ना समझदारी नहीं। मूर्ख बेताल, छोड़ दे इस शव को। क्यों छोड़ दूं? पहले मैंने इसे देखा है, तू छोड़ इसे। हैं। बेताल, ये शव मुझे दे दे, मैं इस शव पर तंत्र साधना करूंगा। वाह भाई वाह, भूख के मारे मेरे पेट में हाथी चूहे कूद रहे हैं और तू कहता है कि मैं इसे तुझे दे दूं? चल हट। पहले मैंने इसे पकड़ा है। ये अलग बात है कि मैंने पहले इसे हाथ नहीं लगाया, लेकिन अपनी अंतर शक्ति से मैं इस शव को यहाँ तक खींच लाया हूँ। बेताल, तेरी भूख से ज्यादा जरूरी मेरी तंत्र साधना है। तू किसी जानवर के शव की तलाश करके अपनी भूख मिटा ले, जा। तो एक काम कर, तू ही जाकर एक जानवर का शव ले आ मेरे लिए। मैं कहाँ से लाऊं और क्यों लाऊं? तो जा, मैं भी इसे नहीं दूंगा। वो देख, वे कहीं के राजा लगते हैं और राजा न्यायप्रिय होते हैं। उनसे ही चलकर पूछते हैं कि ये शव किसे मिलना चाहिए। चलो। प्रणाम राजन, मैं कापालिक हूँ और ये बेताल है। हम दोनों चाहते हैं कि आप हमारा न्याय करें। हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। पहले इस बात का वचन दो कि जो भी न्याय हम करेंगे वो तुम दोनों मानोगे। हमें मंजूर है। और दूसरी बात ये कि हम इस समय अपने राज्य में नहीं हैं और ना ही हम सिंहासन पर बैठे। अब क्या सिंहासन लाना होगा? नहीं, लेकिन न्याय करने के लिए तुम दोनों को हमें मूल्य देना होगा। ये लीजिए चमत्कारी थैली है, इससे जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। दे भी रहा है तो एक लकड़ी कंजूसी की भी हद होती है। काहे कंजूस कहते हो? ये कोई साधारण लकड़ी नहीं है, ये मोहिनी काष्ठ है। इसे घिसकर तिलक करने से आदमी अदृश्य हो जाता है। तुम दोनों के बीच के झगड़े में जो सबसे जरूरी चीज है वो है आवश्यकता। बेताल, तुम्हारी जरूरत यह है कि तुम इसे खाकर अपनी भूख मिटाना चाहते हो, और कपाली की जरूरत यह है कि वो इस शव से तंत्र साधना की सिद्धि करना चाहता है। बेताल, तुम्हारी भूख तो किसी भी मुर्दा जानवर को खाकर भी शांत हो सकती है ना? हाँ हाँ, मुझे तो कुछ भी चलेगा। तो बस हो गया न्याय। वहाँ सामने देखो, तुम इस घोड़े को खाकर अपनी भूख शांत कर सकते हो। घोड़े का ताजा ताजा मांस, मैं तो चला दावत करने। कपालिक, तुम्हारी तंत्र साधना उसकी भूख से ज्यादा जरूरी है, इसलिए अब तुम ये शव ले जाकर अपनी तंत्र साधना पूरी करो। धन्यवाद राजन। हमें भी भूख लगने लगी है, कपालिक की इस थैली की परीक्षा लेनी चाहिए। है चमत्कारी थैली, हमारे सामने ताजे फल और स्वादिष्ट भोजन उपस्थित करो। अब सुबह होने तक थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, परंतु यहाँ कोई भी जानवर हम पर आक्रमण कर सकता है। हमें अदृश्य हो जाना चाहिए। अब है वैतालों, तुम दोनों जहाँ भी हो हमारे सामने प्रकट हो। ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए ना आए गाना चाहिए। प्रणाम महाराज। ये क्या, तुम दोनों को शर्म नहीं आती इस तरह हमारे सामने आते हुए? महाराज, आपने ही तो हमें पुकार कर कहा था कि हम जहाँ भी हैं आपके सामने आ जाए। तो हम दोनों नहा रहे थे और ऐसे ही आ गए। कहिए, कैसे याद किया आपने? पहले अपने कपड़े पहन कर आओ। अभी लो महाराज। अब चलो, हमें हमारे महल तक पहुंचा दो। तो चलिए महाराज। Thank you.
बेटा, कुछ खाने को हो तो इस गरीब को दे दो बेटा। बाबा ये लो, ये एक चमत्कारी थैली है। इस थैली से जब भी जो भी तुम मांगोगे तुम्हें तुरंत मिल जाएगा। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो। अब कहिए राजा भोज, क्या आपने कभी ऐसा न्याय किया है? क्या आपने कभी ऐसा दान दिया है? यदि हाँ, तभी आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। कोई इतना बड़ा दान दे कैसे सकता है? तभी तो आप राजा भोज हैं और वे महाराज विक्रमादित्य थे। अब आप जिद छोड़ दीजिए। नहीं, मैं इतने जल्दी हार मानने वाला नहीं हूँ। कभी ना कभी मेरा भी दिन आएगा, तब देखना, मैं तुम सबको बताऊंगा। आज 15 दिन हो गए परंतु मैं सिंहासन पर नहीं बैठ पा रहा हूँ। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। यदि मेरे भाग्य में सिंहासन पर बैठना लिखा है तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। ठहरिए राजा भोज, इतने जल्दी क्यों आ जाती हो तुम सभी? कम से कम मुझे सिंहासन के करीब तो आ जाने दिया करो। परंतु किसी भी चीज को हासिल करने से पहले इंसान को उस चीज के लायक बनना चाहिए। मैं जानता हूँ कि मैं सिंहासन पर बैठने के लायक हूँ। इतना ही विश्वास है तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। स्वयं निर्णय कर लीजिएगा कि आप इस सिंहासन पर बैठने के काबिल हैं या नहीं। ठीक है देवी, आप कहानी प्रारंभ कीजिए। लेकिन एक बात बताइए, क्या मैं सिंहासन पर बैठकर कहानी नहीं सुन सकता? नहीं राजा भोज। ठीक है, मैं खड़े खड़े ही सुन लूंगा। मेरा नाम सुंदरवती है और मैंने देखा है कि राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा के सुख दुख का पूरा ख्याल रखते थे। उज्जैन के व्यापारियों में सबसे बड़ा नाम था सेठ पन्नालाल का। उनका एक जवान पुत्र था हीरालाल, जिसके विवाह के बारे में विचार करने के लिए उन्होंने एक दिन अपने यहाँ उज्जैन के बड़े बड़े ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। ये मेरा पुत्र हीरालाल है, अब ये जवान हो चुका है। मैंने आप लोगों को इसलिए कष्ट दिया है, आप मेरे पुत्र के विवाह का लग्न मुहूर्त निश्चित करें और इसके लिए एक योग्य कन्या की भी तलाश करें। जजमान, एक कन्या है, समुद्र पार एक द्वीप है, मैं वहीं के एक व्यापारी की बेटी की बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो मैं आपके पुत्र का प्रस्ताव लेकर उनके पास जा सकता हूँ। ठीक है, आप जितनी जल्दी हो सके वहाँ जाने की तैयारी कीजिए। जजमान, भगवान ने चाहा तो ये जोड़ी बनकर रहेगी। हाँ, हमारा सौभाग्य है कि हमारी बेटी का विवाह ऐसे अच्छे खानदान में हो रहा है। पंडित जी, आप शादी की तैयारी शुरू करवाइए। जजमान, आज से 4 दिन बाद का शुभ मुहूर्त है, बारात ठीक 4 दिन बाद आपके द्वार पर होगी। हाँ, जैसे ही विवाह की तारीख नजदीक आई तेज बारिश शुरू हो गई। द्वीप तक जाने का रास्ता बंद हो गया। सेठ पन्नालाल का ध्यान इस अनहोनी की ओर बिल्कुल नहीं गया था। हे भगवान, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, ऐसे में बारात द्वीप तक पहुँचेगी कैसे? जजमान, अगर बारात सही समय पर नहीं पहुँची तो कन्या पक्ष को बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। हाँ, अब आप ही बताइए ऐसी हालत में क्या किया जाए। हमारे राजा विक्रमादित्य के पास हवा की तेजी से चलने वाला रथ और घोड़ा है। यदि महाराज आपको अपना वही घोड़ा और रथ
दे दें तो काम बन जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं अवश्य ही राजा विक्रमादित्य के पास जाकर उनसे रथ की मांग करूंगा। प्रणाम महाराज। कहो पन्नालाल सेठ, सब ठीक तो है ना? महाराज, मेरे बेटे की बारात समुद्र पार द्वीप पर जानी है, परंतु इस घनघोर बारिश ने वहां पहुंचने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। अगर ये बारात शुभ मुहूर्त तक नहीं पहुंची तो दो परिवारों को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बताइए, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? महाराज, आपके पास पवन जितना तेज दौड़ने वाला रथ है, यदि आप वो रथ कुछ दिनों के लिए मुझे दे दें तो मैं समुद्र पार ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा और मेरे पुत्र की शादी हो जाएगी। हमारा जो कुछ भी है वो सब प्रजा के लिए ही तो है। हम तुम्हें रथ के साथ साथ उसका सारथी भी देते हैं। जाओ और अपने पुत्र का विवाह करवाओ। धन्यवाद महाराज, मैं और मेरा परिवार आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। ऐसा रथ तो मैंने जीवन में पहली बार देखा है। ये रथ और ये आलीशान घोड़े तो मेरे पुत्र की शादी में चार चांद लगा देंगे। रथ तो हमने दे दिया, लेकिन सेठ पन्नालाल के सामने कोई और बाधा आ गई तो अनर्थ हो जाए। है वेतालों, हमारे सामने प्रकट हो। प्रणाम महाराज, कहिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं? इस बार तुम दोनों को हमारी नहीं सेठ पन्नालाल की सहायता करनी है, और जिस तेजी से बरसात हो रही है उससे हो सकता है कि उन्हें रास्ते में और भी मुश्किलों का सामना करना पड़े। तो आप चाहते हैं कि हम उन्हें सही सलामत द्वीप पर पहुंचा दें? सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पुत्र की शादी के बाद उन्हें सुरक्षित वापस लाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जो आ गया महाराज। अरे ये थोड़े क्यों रुक गए? पानी पीने के लिए रुक गए होंगे? पानी में डूबने से बचने के लिए रुके हैं? सामने देख, यहाँ तो चारों ओर पानी ही पानी भरा हुआ है। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है, हमारी मदद करो। सुनो शेर जी, हमें मदद के लिए बुला रहे हैं। लेकिन वे तो ऊपर वाले को आवाज दे रहे हैं। अरे मेरे अक्लमंद भूत, ऊपर तो हम ही है ना। चल जल्दी चल, चलते हैं इस रथ को हवा में समुद्र के उस पार। अरे हम तो हवा में उड़ने लगे। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। तेरा नाम प्रभु है? नहीं, मेरा भी नाम प्रभु नहीं है। और सेठ जी प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। आज से तू अपना नाम प्रभु रख ले और सोच ले कि सेठ जी तुझे ही धन्य कह रहे हैं। ये ठीक रहेगा। वो देखो, दूल्हे राजा उड़ने वाले रथ पर सवार होकर आ रहे हैं। धन्य है मेरी बेटी जो ऐसे महान पुरुषों के घर की लक्ष्मी। और इस तरह पन्नालाल के बेटे हीरालाल का विवाह हो गया। महाराज, अगर आपने मेरी मदद नहीं की होती तो मेरे पुत्र का विवाह नहीं हो पाता। आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए। महाराज, सदा सुखी रहो और जीवन में तरक्की करो। महाराज, जहाँ भी जाता हूँ लोग पूछते हैं कि क्या ये रथ मेरा है, और मैं मन ही मन सोचता हूँ कि काश ये रथ मेरा होता। आपके इस रथ ने मेरी इज्जत में चार चांद लगा दिए हैं। महाराज, पन्नालाल जी, हम आपकी इज्जत के चांद को कम नहीं होने देंगे। हम आपको अपना ये रथ उपहार स्वरूप भेंट करते हैं। धन्य है महाराज, आप धन्य है। आपसे बड़ा दानी पुरुष सारे संसार में कोई नहीं होगा महाराज। ये राजा भोज, कहानी सुनने के बाद आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। परेशानी की तो बात ही है ना, कैसे महाराजा विक्रमादित्य ने इतनी सरलता से अपना वो रथ दान कर दिया? आपकी सूरत देखकर तो नहीं लगता कि आपने कभी ऐसा दान दिया होगा। आज तक तो ऐसा दान देने के बारे में मैंने सोचा तक नहीं। देवी, इससे पहले कि तुम मुझे जाने के लिए बोलो, मैं स्वयं यहाँ से चला जाता हूँ, परंतु मैं कल फिर आऊंगा। हाँ, मैं कल फिर आऊंगा।
महाराज महाराज उठिए महाराज उठिए। क्या हुआ महाराज? आज मैंने आपकी कुंडली देखी है और उसमें लिखा है कि आज आपका कार्य अवश्य सफल होगा महाराज। तो चलो। सुप्रभात राजा भोज, मेरा नाम सत्यवती है। आज तो आप सुबह सुबह नए नए कपड़े पहनकर आ पहुँचे हैं। क्या आज आपका जन्मदिन है? नहीं देवी, परंतु मेरी कुंडली में लिखा है कि आज मेरा कार्य अवश्य सफल होगा। आज मैं आपको अपने महाराज के महान त्याग की एक कहानी सुनाती हूँ। एक दिन की बात है, उनके दरबार में देवताओं की चर्चा होने लगी। आप सभी बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी हैं। आज हम ये जानना चाहते हैं, क्या पाताल लोक में भी किसी देवता का वास है? हाँ महाराज, पाताल लोक के स्वामी शेषनाग हैं, जो भगवान विष्णु के सेवक हैं। उनका दर्शन करना स्वयं भगवान के दर्शन करने के समान है। अगर उनके दर्शन करना भगवान के दर्शन करने के समान है, तो हमें भी शेषनाग के दर्शन अवश्य करना चाहिए। हे वेतालो, हमारे सामने आओ। प्रणाम महाराज। हम पाताल लोक जाकर शेषनाग के दर्शन करना चाहते हैं। पाताल? क्यों? क्या तुम दोनों वहाँ नहीं जा सकते? जा तो सकते हैं, परंतु आ नहीं सकते, क्योंकि वहाँ बड़े 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 सांप, छोटे छोटे सांप, सांप ही सांप, अगर किसी ने काट लिया तो खत्म। क्या? हमारी कहानी। ठीक है, तुम दोनों हमें शेषनाग के दरवाजे तक पहुंचा दो। ठीक है। महल। सुंदर, अति सुंदर। वेतालो, अब तुम दोनों जाओ। हे भगवान शेषनाग, आपके दर्शन पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। सुखी रहो। हे मानो, कौन हो तुम? नागराज, हम धरती पर स्थित उज्जैन राज्य के राजा विक्रमादित्य हैं। आइए विक्रमादित्य, मैं आपका अपने महल में स्वागत करता हूँ। भगवान, हमारी इच्छा है कि हम आपके इस महल और पाताल लोक की सैर करें। जैसी आपकी इच्छा। अब हमें वापस अपने राज्य लौटने की आज्ञा दीजिए। हे राजा विक्रमादित्य, आपने पाताल लोक का अतिथि बनकर मेरा सम्मान बढ़ाया है। मैं आपको यूं ही खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। ये दिव्य रत्न मैं आपको उपहार में देता हूँ। इन रत्नों की अलग अलग विशेषताएं हैं। इस रत्न की विशेषता ये है कि इससे जितना धन मांगोगे ये देगा। दूसरे का ये गुण है कि इससे जैसा भी वस्त्र आभूषण मांगोगे देगा। तीसरे रत्न से मांगने पर आपको हाथी घोड़े जो भी चीजें चाहिए वो आपको मिलेगी। और चौथा रत्न आपको
धर्म कार्य और यश की प्राप्ति कराएगा। धन्यवाद भगवान। हे वेतालों, हमारे सामने उपस्थित हो। है? महाराज, आप जीवित हैं? हाँ, अब हमें हमारे महल ले चलो। अभी लो महाराज। अब तुम दोनों जाओ। जो आज्ञा महाराज। महाराज विक्रमादित्य अपने महल की ओर बढ़ रहे थे कि उन्हें सामने से एक ब्राह्मण आता दिखाई दिया। प्रणाम महाराज। आहाहाहाहा महाराज, आज तो आपके मुख पर पहले से भी अधिक तेज है, हैं? आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव। हम पाताल लोक की यात्रा करके आ रहे हैं, जहां हमने भगवान शेषनाग के दर्शन किए। लौटते समय उन्होंने हमें ये चार रत्न उपहार स्वरूप भेंट किए हैं, जिनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। ये रत्न धन की प्राप्ति करवाएगा, ये वस्त्र और आभूषणों की, और ये तीसरा रत्न हाथी घोड़े पाल की प्रदान करवाएगा, और ये चौथा रत्न धर्म कर्म और यश की प्राप्ति करवाएगा। राजा के उपकार और उपहार में उनकी प्रजा का भी अधिकार होता है राजन। हम समझ गए ब्राह्मण देव। इन चारों रत्नों में से आप अपनी इच्छा का कोई भी एक रत्न चुन लीजिए। हाँ, धन वाला ले लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे तो हाथी घोड़े वाला लेना चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्यों ना धर्म और कर्म वाला ही रत्न ले लूं। नहीं नहीं महाराज, मैं अपने परिवार वालों से सलाह करना चाहता हूँ महाराज। ठीक है ब्राह्मण देव, हम यहीं आपका इंतजार करेंगे। मैं तो कहता हूँ वो रत्न ले लीजिए जिससे हमें धन मिलेगा। एक बार घर में धन आ गया ना, तो हम जो चाहे वो खरीद सकते हैं। अजी, मैं तो कहती हूँ वो हाथी घोड़े देने वाला रत्न ले लो। जब भी धन की आवश्यकता होगी तो एक दो हाथी घोड़े बेच दिया करेंगे, और क्या। अरे मूर्खों, मैं तो धर्म कर्म और यश वाला ही रत्न लूंगा। क्या जी, आप तो हमेशा ऐसा ही करते हो। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। कहिए ब्राह्मण देव, आपको कौन सा रत्न चाहिए। महाराज, काश मैं पहले ही अपनी इच्छा का रत्न ले लेता तो ये नौबत ही नहीं आती। क्यों, क्या हुआ। बेटा कहता है कि धन वाला रत्न ले लो, और पत्नी कहती है हाथी घोड़े वाला ले लो, पर मेरा मन कहता है धर्म कर्म और यश वाला रत्न ले लूं। अब तो मेरे घर में रोज झगड़ा होगा। अब आप ही कोई रास्ता बताइए महाराज। ये लीजिए, ये चारों रत्न हम आपको बाहर स्वरूप भेंट कर रहे हैं। हाय हाय, चारों रत्न महाराज, धन्य है महाराज, आप तो धन्य हैं। तो ऐसे थे हमारे राजा विक्रमादित्य। क्या आपने कभी ऐसा उपहार दिया है राजा भोज? मैंने तो ऐसा उपहार ना कभी पाया है और ना ही कभी देने की बात सोची है। तो लौट जाइए राजा भोज, आज भी आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। ठीक है देवी, पंडित, आज तो मैं तेरी कुंडली बनाऊंगा। मेरा कोई कार्य पूरा हो चाहे ना हो, लेकिन ये कार्य जरूर पूरा करूंगा। कहाँ छिपा बैठा है तू? निकल, किधर है? ठहरिए राजा भोज, सिंहासन पर बैठने की बहुत जल्दी है क्या? हाँ, आप कौन है? मेरा नाम विद्यावती है। विद्यावती जी, ये सिंहासन मेरे राज्य में मिला है और अब मेरे दरबार की शोभा बढ़ा रहा है, और मैं इस राज्य का राजा होकर भी इस सिंहासन पर बैठ नहीं पा रहा हूँ। हे देवी, सिर्फ एक बार आप मुझे इस सिंहासन पर बैठने दीजिए।
मैं सब जानती हूँ, परंतु ये सिंहासन उसी राजा का होगा जिसके अंदर महाराज विक्रमादित्य जैसी योग्यता होगी। मैं जानता हूँ, 16 दिन से आप लोग ऐसी ऐसी कहानियाँ सुना रही हैं जो कार्य मैंने किया ही नहीं, परंतु अब मैं इस सिंहासन पर बैठना चाहता हूँ। ठहरिए राजा भोज, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। ठीक है, सुनाओ। हमारे महाराज विक्रमादित्य राज्य की व्यवस्था देखने के लिए किसी भी समय किसी ना किसी क्षेत्र में पहुंच जाते थे। एक रात वे भेष बदल कर घूमते हुए एक झोपड़ी के पास पहुंचे। ऐसा है तो तुम्हें महाराज के पास जाना चाहिए और उनसे ये सारी बात कहनी चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि हम अपनी खुशी के लिए महाराज का जीवन खतरे में डाल दें? नहीं नहीं, मैं बस चुप रहो। आखिर ब्राह्मणी किस लिए ब्राह्मण को हमारे पास आने के लिए कह रही थी? ऐसी क्या बात है? हमें अंदर चलकर स्वयं उनसे पूछना चाहिए। जी कहिए, कौन है आप? हम इस राज्य के राजा विक्रमादित्य। महाराज, आप मेरे झोपड़ी में आइए, अंदर आइए। हम यहाँ से गुजर रहे थे और आप दोनों की बात सुनकर रुक गए। हमें साफ साफ बताओ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें हमारे पास क्यों भेजना चाहती थी? महाराज, बात यह है कि हमारे विवाह को 12 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु हमारा ये आंगन एक नन्हे बच्चे की गुंज से वंचित है। संतान का होना या न होना तो भाग्य की बात है। तुम ये बताओ कि हमारी जान किस तरह संकट में पड़ सकती है? महाराज, कल मेरे सपने में एक देवी आई और उन्होंने कहा कि यहाँ से 30 कोस दूर पूरब दिशा के जंगल में कुछ साधु सन्यासी और तपस्वी एक विशाल अग्निकुंड के सामने बैठे साधना कर रहे हैं। वे भगवान शिव की उपासना करते हुए अपने शरीर के अंगों को काट कर हवन कुंड में झोंक रहे हैं। उन सभी का विश्वास है कि भगवान शिव उन्हें दर्शन देंगे और घबराओ नहीं, बताओ और क्या कहा देवी ने? महाराज, देवी ने कहा कि अगर राजा विक्रमादित्य वहां जाकर अपने अंगों की बलि दे और भगवान शिव को प्रसन्न करके हमारे घर पुत्र होने का वर मांगे तो मेरी पत्नी की गोद हरी भरी हो सकती है। महाराज, हम आपको वचन देते हैं कि आपका आंगन सूना नहीं रहे। आप धन्य है महाराज, आप धन्य है। हे वेतालों, हमारे सामने उपस्थित हो। प्रणाम महाराज। क्या हाल है? ना हड्डी है ना खाल है, तभी लोग कहें हम बेताल हैं। अब हमें पूरब दिशा में उस जंगल तक पहुंचा दो जहां साधु सन्यासी और तपस्वी भगवान शिव की उपासना कर रहे हैं। महाराज, कहीं आपने सन्यास तो नहीं ले लिया? नहीं, हम तो एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए पुत्र का वरदान मांगने जा रहे हैं। महाराज, आप उस ब्राह्मण पति पत्नी की गोद में हमें डाल दीजिए और हमें भी माँ बाबूजी का प्यार मिल जाएगा। उन्हें संतान के रूप में इंसान चाहिए, वेताल नहीं। अब हमें उस जंगल तक पहुंचा दो। ठीक है महाराज। अब तुम दोनों जाओ। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? महाराज, आप इन कपड़ों में तपस्या करेंगे? ये तुमने सही कहा वेतालो, अब जल्दी से हमें तपस्वी बना दो। अभी लीजिए महाराज, चिंगालाला बूम, चिंगालाला बूम, बूम। ठीक है, अब हम चलते हैं महाराज। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी तपस्वियों के साथ महाराज विक्रमादित्य ने भी अपने सारे अंग काटकर जला डाला। राजा विक्रमादित्य सहित जब सारे साधु जलकर राख हो गए, तब भगवान शंकर का एक कर्ण वहाँ प्रकट हुआ। उस कर्ण ने मरे हुए तपस्वियों की राख पर अमृत की बूंदें छिड़की और सभी तपस्वी जीवित हो उठे। हे तपस्वियों, भगवान शंकर आप सभी से प्रसन्न है, आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हम सभी आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। अरे, ये तो महाराज विक्रमादित्य की राख है।
लगता है भगवान शिव का वो गण इन पर अमृत छिड़कना भूल गया। अब क्या करें? हम सभी को महाराज के लिए भगवान शिव का तप करना चाहिए। हे तपस्वीगण, हम आप सभी के इस तप से प्रसन्न हुए। कहो, क्या चाहते हो? प्रभु, ये महाराज विक्रमादित्य की राख है। हम चाहते हैं कि आप इनकी राख पर भी अमृत की बूंदे छिड़क कर इन्हें जीवित कर दें। हे राजन, हम आपके भक्ति और साधना से प्रसन्न हैं। कहो, क्या चाहते हो? प्रभु, यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं, तो हम अपने राज्य के उस ब्राह्मण और उसकी पत्नी के लिए संतान मांगना चाहते हैं। ऐसा ही होगा। ये कमल का फूल जिस परिवार में रहेगा, वहाँ का आंगन सदैव बच्चों से भरा रहेगा और साथ ही धन की भी वर्षा होती रहेगी। हे विक्रमादित्य, एक तुम्हारे लिए है और एक उस ब्राह्मण पति पत्नी के लिए है। धन्यवाद प्रभु। हे वैतालो, हमारे सामने प्रकट हो। कहिए महाराज। हमें हमारे नगर वापस पहुंचा दो। अभी लीजिए महाराज। चिंगालाला बूम, बूम। अब तुम दोनों जाओ। जो आ गया महाराज। महाराज, आप आ गए? ये लो ब्राह्मण, ये फूल भगवान शिव ने तुम्हारे लिए दिया है। अब तुम्हारे घर में एक नहीं बल्कि कई संतानों का जन्म होगा और धन की भी वर्षा होती रहेगी। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद महाराज। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। समय के साथ साथ ब्राह्मण के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। महाराज विक्रमादित्य स्वयं उन्हें बधाई देने उनके घर पहुँचे। तो सुना आपने राजा भोज, ऐसे त्यागी और प्रजा पालक थे हमारे महाराज विक्रमादित्य। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने भी ऐसा कार्य अवश्य किया होगा। आपने किया है ना राजन? नहीं देवी, ऐसा कार्य तो महाराज विक्रमादित्य ही कर सकते हैं। तो अब क्या इरादा है राजा भोज? इरादा नहीं देवी, मजबूरी है, लेकिन कल फिर आऊँगा। हाँ हाँ, अवश्य आइए। कम से कम आप हमारे महाराज विक्रमादित्य की महानता की कहानियाँ तो सुन पाएंगे। हाँ ठीक कहा तुमने, और जब मैं बुढ़ा हो जाऊँगा तो ये कहानियाँ मैं अपने पोते पोतियों को सुनाऊँगा। विचार अच्छा है राजा भोज। प्रणाम राजा भोज। मैं सिंहासन की 18वीं पुतली तारामती हूँ। महाराज, मैं आपको राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती हूँ। उसके बाद आप स्वयं निर्णय करना कि आप सिंहासन पर बैठने के लायक हो या नहीं। देवी, तुम कहानी सुनाना प्रारंभ करो। तो सुनिए, एक बार दक्षिण भारत का एक विद्वान राजा विक्रमादित्य की राज्यसभा में आ पहुंचा। वो विद्वान शास्त्रों का बड़ा ही प्रकांड, बड़ा ही महान पंडित था। उसने राजा को एक श्लोक सुनाया। हे राजन, मेरे श्लोक का अर्थ ये है कि इस दुनिया में विश्वास घात से बड़ा नीच कर्म और दूसरा नहीं है। हे विद्वान, आप अपनी बात को स्पष्ट करने का कष्ट करें। सुनो राजन, बहुत समय पहले की बात है कि आर्यावर्त में एक राजा राज किया करता था। उसने 70 वर्ष की आयु में विवाह किया था। वो रानी बहुत सुंदर थी। उस रानी को राजा राज दरबार में साथ लाने लगा। वो उसे अपने से अलग नहीं रखना चाहता था। इस बात को लेकर दरबारी उसका उपहास उड़ाने लगे। ये महाराज हमेशा इस रानी को साथ लेकर क्यों घूमते हैं? अरे भैया, इस उम्र में इतनी खूबसूरत बीवी का साथ छोड़ दिया तो हो सकता है रानी इस बुड्ढे को
छोड़ के ही भाग जाए। आज तक दरबार में रानी को साथ कोई नहीं लाया। अरे भैया, जब लंगूर को अंगूर मिला है तो लंगूर छोड़ थोड़ी ना देगा। चुप करो, किसने महाराज को लंगूर कहा? जी, हमने तो रानी को अंगूर कहा। क्या कहा? अरे मूर्खों, महाराज महारानी को इसलिए लाते हैं क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। ये सब ठीक कह रहे हैं, मुझे महाराज से बात करनी होगी। राजन, मुझे क्षमा करें, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ। निसंकोच कहो। महाराज, आप छोटी महारानी को राज दरबार में न ले जाएं। हमारे राज्य की ये परंपरा नहीं है महाराज कि राजा के साथ रानी दरबार में बैठे। दरबारी इस बात से नाखुश है महाराज। महामंत्री, आप तो जानते हैं कि हम छोटी महारानी से कितना प्रेम करते हैं। मैं जानता हूँ महाराज। तो आप ही कोई उपाय निकालिए महामंत्री। एक उपाय है महाराज, आप छोटी महारानी की एक सुंदर तस्वीर बनवाकर राज दरबार में लगवा दें। इस प्रकार आप अकेलापन महसूस नहीं करेंगे और राज्य का नियम भी नहीं टूटेगा। तुमने ठीक कहा महामंत्री, शीघ्र ही एक श्रेष्ठ चित्रकार की व्यवस्था करूँ। चित्रकार राजा की उपस्थिति में तस्वीर बनाने लगा। तस्वीर बन जाने पर उस तस्वीर को राज दरबार में लगाया गया। वाह, क्या तस्वीर है! ये तो ऐसा लगता है जैसे रानी खुद ही तस्वीर में बैठ गई हो। धन्यवाद महाराज। अरे ये दिल तो सिर्फ हमें और हमारी रानी को मालूम है। चित्रकार, हम ये जानना चाहते हैं कि तुमने रानी के जांग का दिल कैसे बना दिया। महाराज, था तो बना दिया। गद्दार, तुमने रानी को अकेला पाकर दिल देखने की हिम्मत कैसे की? महाराज, आप गलत सोच रहे हैं। मेरे अंदर एक ऐसा विलक्षण ज्ञान है, मैं वस्त्र पहने हुए इंसान के छिपे हुए अंगों को भी देख सकता हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। सिपाहियों, इस गद्दार को ले जाओ और इसकी आंखें निकालकर हमारे सामने पेश करो। नहीं महामंत्री, मुझे बचा लीजिए। अबे, जब देख लिया था तो बनाने की जरूरत थी? मैंने सोचा था कि राजा इनाम देंगे। इनाम तो नहीं मिला बेटा, गरम गरम सरिये मिलेंगे। ठहरो, छोड़ दो इसे। अगर तुम इसे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। 1000 स्वर्ण मुद्राएं? लेकिन महाराज को पता लग गया तो? तुम महाराज के सामने हिरन की आंखें निकाल कर पेश करो। समय बीतता गया। कुछ देर बाद राजा का सबसे छोटा पुत्र जंगल में शिकार खेलने गया। ये हिरन का बच्चा कहाँ चला गया? ये तो शेर है। अरे बाप रे, फंस गया। पेट मतलब ये शेर मेरे पीछे पड़ा, लेकिन तुम्हें देखकर तुम्हारे पीछे पड़ गया। अब हम दोनों उसके शिकार हैं। लेकिन मुझे तुम दोनों से खतरा है। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन तुम भी वादा करो कि तुम भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। समय बीतता गया, रात होने लगी। जब भालू गहरी नींद में सो गया तो नीचे घात लगाए बैठे शेर ने राजकुमार से कहा, देखो बच्चे, तुम दोनों में से एक तो मेरा जरूर ही शिकार बनेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ। क्या सच? लेकिन एक शर्त है, तुम भालू को नीचे गिरा दो। ठीक है, अभी तो विकार है तुझे। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, विकार है। भालू की बात सुनकर राजकुमार को ठेस पहुंची और वो अपनी बोलने और सुनने की शक्ति खो बैठा। राजा ने अच्छे वैद्यों से इलाज कराया, परंतु किसी को उसकी हालत समझ न आई। क्या हुआ महामंत्री, आप उदास क्यों हैं? चित्रकार, राजा का छोटा बेटा न बोलता है और न ही सुन सकता है, इससे पूरा राज्य परेशान है। महामंत्री, मैं उसका इलाज कर सकता हूँ। लेकिन तुम इलाज कैसे कर पाओगे?
राजा ने तुम्हें पहचान लिया तो? नहीं पहचान पाएंगे। नहीं, ये मैंने क्या किया? बेटा, तुम ठीक हो गए? महाराज, आपके बेटे ने शेर की बातों में आकर अपने शरणार्थी भालू को धोखा दिया, जिसका गम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। हाँ पिताजी, मैंने भालू के साथ विश्वासघात किया है। लेकिन ये बात आपने कैसे जान ली? ठीक वैसे ही जैसे बिना देखे चित्रकार ने आपकी पत्नी की जांघ का तिल बना दिया था। ओह, तो तुम कोई वैद्य नहीं बल्कि स्वयं चित्रकार हो। आपने ठीक फरमाया महाराज, ये चित्रकार ही है। हमें क्षमा कर दो चित्रकार। और राजा ने चित्रकार को इनाम देकर विदा किया। है ज्ञाता, हम आपका आशय पूर्ण रूप से समझ गए। आपके इस ज्ञान के बदले हम आपको 1,00,000 सोने की मुद्राएं इनाम में देते हैं। तो राजा भोज, क्या कभी आपने किसी गुणी व्यक्ति को 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी है? यदि हाँ तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। जब 1,00,000 मुद्राएं किसी ने मुझे नहीं दी तो मैं किसी को क्या दूंगा? जाइए राजा भोज, जाइए। कल फिर प्रयास करना। ठीक है देवी, कल फिर प्रयास करूंगा। देखते हैं आगे क्या होता है। शंकर भगवान, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं सिंहासन बत्तीसी पर बैठ सकूं। महाराज की जय हो। महाराज, शीघ्र चलिए, सिंहासन बत्तीसी आपका इंतजार कर रहा है। चलिए मंत्री जी। प्रणाम राजा भोज। देवी, क्यों आ जाती हो रोज? अपना परिचय दो। राजन, मैं इस सिंहासन की 19वीं पुतली रूपरेखा हूँ। कहो देवी, क्या कहना चाहती हो? राजन, राजा विक्रमादित्य न्याय करने में तो निपुण थे ही, कठिन से कठिन समस्याओं को भी चुटकियों में हल कर देते थे। मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाती हूँ, इसको सुनकर आप स्वयं निर्णय कीजिए कि आप इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं या नहीं। एक बार दो तपस्वी एक विवाद को लेकर राजा विक्रमादित्य के सामने हाजिर हुए। महाराज, हम एक विवाद में फंसे हैं, अतः आप ही निर्णय करें कि क्या सही है। कहो, क्या बात है? महाराज, मेरा मानना है कि मानव शरीर में मन ही सबसे प्रबल है। वो जो चाहता है वही करता है। मन न चाहे तो कुछ भी न करे। धर्म कर्म सब मानव के मन के ही वश में है। अब आप क्या कहते हैं? मेरा मानना है महाराज कि सब कुछ ज्ञान से होता है। ज्ञानी मानव अपने मन को वश में कर सकता है। ज्ञान के आगे मन की एक नहीं चलती। महाराज, अब आप ही बताएं कि दोनों में से कौन बड़ा है? है तपस्वियों, ये बात ऐसी है कि निर्णय शीघ्र नहीं किया जा सकता। क्या आप हमें कुछ समय दे सकते हैं? राजन, हम तुम्हें कुछ दिनों का समय देते हैं। मन सचमुच चंचल है, वो मानव को मन मान के जानना चाहता है, पर ज्ञान के महत्व को कैसे निकालता है? दोनों में कौन प्रबल है, इसका निर्णय करना सचमुच कठिन है। लेकिन इसका उत्तर मिलेगा कहाँ? और महाराज विक्रमादित्य वेश बदल कर इधर उधर घूमने लगे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मानव पेड़ के नीचे लेटा है। हमने शायद तुम्हें कहीं देखा है। जी नहीं, मुझे आपने कहाँ देखा होगा? याद आया, तुम स्वर्गीय सेठ गोपालदास के बेटे हो और तुम्हारा नाम नौरंगी दास है। जी हाँ, पर अब तो सिर्फ नौरंगी रह गया हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तुम्हारे पिता का मित्र विक्रम सिंह।
विक्रम सिंह, लेकिन पिताजी ने कभी आपके बारे में बताया? मैं किसी काम से बाहर गया था, आया तो पता चला कि मेरा मित्र गोपाल दास अब नहीं रहा। लेकिन तुम यहाँ कैसे? जब आप मेरे पिता के मित्र हैं, तो आपसे क्या छुपाना। पिताजी के मृत्यु के बाद मैं मनका होकर रह गया, गलत संगति का शिकार हो गया। मैंने सारा धन अय्याशी में लुटा दिया। ओह, मुझे इस बात का दुख है। चंचल मन को वश में ना रख पाने के कारण ही सेठ का बेटा इस दयनीय स्थिति में पहुंच गया है। मुझे आधा तो उत्तर मिल गया। अब क्या सोच रहे हो? अब मुझे अकल आ गई है। बहुत भटकने पर मुझे लगा कि अब बिना कुछ किए कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मजदूरी करके पेट पाल रहा हूँ। यानी तुम्हें मन को वश में करने का ज्ञान? हाँ, और अब इस ज्ञान के कारण थोड़ा पैसा बचाकर बैलगाड़ी भी खरीदी है और इसमें सामान ढोता हूँ और इससे मेरा गुजारा हो रहा है। तो अब इस ज्ञान के कारण मन पर विजय कर लोगे? क्यों नहीं, इतनी ठोकरें खाने के बाद भी मुझे अकल न आई तो ये जीवन बेकार है। राजा विक्रमादित्य को दूसरा उत्तर भी मिल गया था। बुद्धि यानी ज्ञान के बल पर उसने मन को वश में कर लिया था। मैं तुम्हारे उत्तर से खुश हूँ। ये लो, इसमें कुछ सोने की मुद्राएं हैं। यदि सचमुच तुम में ज्ञान आ गया है तो जल्द ही व्यापार करके पहले वाली स्थिति में पहुंच जाओगे। लेकिन आप मुझे? नौरंगी दास, हम तुम्हारे राजा विक्रमादित्य इन मुद्राओं को हमारी तरफ से उपहार समझ कर रखते हैं। प्रणाम महाराज, परंतु आपने तो कहा था। यह सत्य है कि हम तुम्हारे पिता को अच्छी तरह जानते थे और तुम्हें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। महाराज, जय हो। महाराज, हम यहाँ अपना उत्तर लेने आए हैं। तो सुनो, मन ही मानव को भ्रमित करता है, लेकिन जो मन को नियंत्रित कर लेता है वो सफल रहता है। मन को ज्ञान नियंत्रित करता है, लेकिन जो मन के अधीन हो जाता है वो व्यर्थ जीवन जीता है। इसलिए मन और ज्ञान दोनों का ही। हम आपके उत्तर से प्रसन्न हुए राजा। महाराज, आपने हमें पसंद किया, इसलिए मैं आपको ये घड़िया देना चाहता हूँ। घड़िया? महाराज, ये घड़िया जरूर है परंतु चमत्कारी। इस घड़िया से दिन में जो चित्र बनाएंगे रात को वो चित्र प्रकट रूप में आ जाएगा। इतना ही नहीं महाराज, आप उनकी आवाज भी सुन सकेंगे, चाहे वो आकृति कितने ही दूर क्यों ना हो। धन्यवाद तपस्वियों। महाराज विक्रमादित्य अपने कक्ष में पहुंचकर उसकी दीवार पर भगवान श्री कृष्ण और देवी सरस्वती के चित्र बनाए। प्रभु, हम यहाँ कहाँ आ गए? माता, हमारा एक शिष्य हमारी परीक्षा ले रहा है, अतः हमें पूरी रात ऐसे ही काटनी है। ये तो चमत्कारी खड़िया। उनके लिए ये खड़िया मन बहलाने का एक साधन हो गया था। दीदी, महाराज कई दिनों से हमारे पास नहीं आया।